अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ जो कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रोड ऑफ एशिया। तो आप देख सकते हैं हम रोड ऑफ एशिया में इंटर हो गए हैं। तो ये रोड ऑफ एशिया का मतलब ये है कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इसके बीच में जितनी भी एशियाई कंट्रीज़ हैं उनके पूरे मौजूद है, जो कि बीच बीच में इनके छोटे छोटे शो भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकेंगे। तो ये आपको देख सकते हैं जापान इनका पवेलियन है, और ये सामने उनके छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए फूड फ्री, ये अमेरिका का पवेलियन है। तो ये इसके सामने देखो जितनी बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है, छोटे छोटे शॉप लगी हुई है, हर कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और ये है हमारे अफगानिस्तान का पवेलियन। तो उससे आगे जाके स्टेज टाइप बना हुआ है जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं। ये शॉप मौजूद है जहाँ पे बच्चों के खिलौने वाले ने सब टाइप मौजूद हैं। ये ओमान का पवेलियन, यूरोप है इस साइड पे। अच्छा, जितना भी आप इस गली से गुजरोगे रोड ऑफ एशिया जिसको नाम दिया गया हुआ है, साइड से सारे पवेलियनों के रास्ते एक दूसरे पवेलियन तक रास्ता निकला हुआ है। ये जूस वगैरह का शॉप है। ये है हमारी रशिया का पवेलियन जो कि इस कोने तक उसका दूसरा गेट निकला हुआ है। अफ्रीका पवेलियन, इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई। ये है चाइना पवेलियन दूसरे के सामने। जी तो ये हो रहा है रोड ऑफ एशिया का एंड, जो कि एंड पे सारे शॉप है जिसके करीब हम गए हैं। यहाँ पे सारी लेडीज ज्वेलर्स वगैरह मौजूद है, यहाँ पे आपकी रिंग वगैरह सब मौजूद है। और ये रोड ऑफ एशिया का एंड हो रहा है, आप देख सकते हैं ये रोड ऑफ एशिया जो कि इस कोने से हम स्टार्ट ली थी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है और ये सारे लबनान जितनी भी पवेलियन थे हमने आपको दिखाए। और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।